अब उनके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट प्राप्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। कांड के अभियुक्त मनीष कश्यप के बारे में जो जानकारी मिली है, ये इनके विरुद्ध में पहले भी इस तरह के कांड दर्ज हैं। पूर्व से 7 कांड इनके विरुद्ध अंकित पाए गए, जिसमें पुलिस पर हमले किए जाने के भी हैं। पुलवामा घटना के बाद पटना के लहसा मार्केट में कश्मीरी दुकानदारों के पीटने के आरोप में भी ये जेल जा चुके हैं और पूर्व में भी कई इस प्रकार की गलत पोस्ट करने और भड़काऊ पोस्ट करने में लिप्त रहे हैं। कांड दर्ज होने के बाद वो फरार हैं। इस संबंध में ईओयू लीगल कार्रवाई उनके विरुद्ध कर रही है। अभियुक्त मनीष कश्यप और युवराज सिंह अभी तक ईओयू के समक्ष जो पूर्व की FIR थी 3/23 उसमें ये अभियुक्त हैं, उनके सामने उपस्थित नहीं हुए, उनको नोटिस दिया गया था। अब उनके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट प्राप्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। कांड के अभियुक्त मनीष कश्यप के बारे में जो जानकारी मिली है, ये इनके विरुद्ध में पहले भी इस तरह के कांड दर्ज हैं। पूर्व से 7 कांड इनके विरुद्ध अंकित पाए गए, जिसमें पुलिस पर हमले किए जाने के भी हैं। पुलवामा घटना के बाद पटना के लहसा मार्केट में कश्मीरी दुकानदारों के पीटने के आरोप में भी ये जेल जा चुके हैं और पूर्व में भी कई इस प्रकार की गलत पोस्ट करने और भड़काऊ पोस्ट करने में लिप्त रहे हैं। कांड दर्ज होने के बाद वो फरार हैं। इस संबंध में ईओयू लीगल कार्रवाई उनके विरुद्ध कर रही है। एक अन्य अभियुक्त युवराज सिंह जो थे, वो 3 महीनों से नारायणपुर भोजपुर के गोलीबारी कांड में फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम बनाई गई है। और यह जानकारी आपको दे दें कि युवराज सिंह के विरुद्ध तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भी एक फर्जी वीडियो बनाने का कांड दर्ज किया गया। तमिलनाडु पुलिस से जो सूचना मिली है उसके अनुसार उनके यहाँ कुल 13 इस तरह के कांड अंकित कर लिए गए हैं, जिसमें फर्जी वीडियो बनाकर भ्रामक और असत्य और उन्माद फैलाने वाले वीडियो को अपलोड किया गया, प्रसारित किया गया, प्रचारित किया गया। वहाँ की टीम बिहार आकर के भी अपना अनुसंधान कर रही है और प्राप्त जानकारी के अनुसार अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या दिल्ली वगैरह जहाँ भी उनको जाना है, वो तमिलनाडु पुलिस वहाँ जाकर के अपना अनुसंधान कर रही है। इसी क्रम में एक समाचार पत्र में खबी छपर मधुबनी के युवक की तमिलनाडु में हत्या की जांच की गई। इसमें पुलिस अधीक्षक तिरुपुर तमिलनाडु के द्वारा खंडन करते हुए इसे पारिवारिक कलह के कारण आत्महत्या बताया गया। पुलिस अधीक्षक तिरुपुर तमिलनाडु के अनुसार मृतक शंभू मुखिया, जो बिहार का रहने वाला है, मधुबनी का थाना देवथा का, वह वहां पर कई दिनों से कार्य कर रहा था। उसके पत्नी के आवेदन पर 5 दिन पहले ही मंगलम थाना में कांड अंकित कर कार्रवाई की जा रही है, जो कि आत्महत्या से संबंधित घटनाक्रम वहां पर प्रकाश में आया। मृतक पिछले 3 महीने से वहां पर मछली दुकान में काम कर रहे थे। बहन की शादी रुक जाने के कारण तनाव में थे। मृतक की पत्नी ने बताया कि 5 मार्च 2023 को उनके पति स्वर्गीय शंभू मुखिया घर पर ही थे। उनके द्वारा अपने बाएं हाथ की कलाई की नस को ब्लेड से काट लिए जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक मधुबनी के द्वारा भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो जारी किया गया है। यहाँ पर उनके जो घर परिवार के लोग हैं वह तमिलनाडु जाएंगे और वहाँ की पुलिस को जो भी इस बारे में कहना है वह अपनी बात को रखेंगे। आप सभी मीडिया बंधुओं से अनुरोध है कि जब भी कोई इस तरह की बात प्रकाश में आए, कृपया अधिकृत सूत्रों से, पुलिस अधीक्षक हैं या वरीय प्राधिकार हैं, उनसे घटनाओं का सत्यापन कर लें, घटनाक्रम का सत्यापन कर लें और कुछ समय पुलिस को अवश्य दें। कई बार ये हो सकता है कि आपकी जो मांगी गई सूचना है उस पर तत्काल सूचना उपलब्ध न हो सके, तो सही तरीके से घटनाओं को सामने रखने से ही सही समाज को सही सूचना मिले। न्यूज़पेपर प्रकाशन हो या सोशल मीडिया अकाउंट्स हों या जो हमारे टीवी चैनल हैं, उन सभी से अनुरोध है कि सही तथ्यों को सही तरीके से रखा जाए और इसमें अधिकृत वर्जन भी सामने रखा जाए। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की भी यही गाइडलाइन है कि जब भी आप कोई न्यूज़ देते हैं तो उसमें सभी पक्षों से बात कर खबरों को पुष्ट कर भी करते हुए ही उसको लिखें। अगर कोई तथ्य आपके रिपोर्टिंग के अनुसार पुष्ट नहीं हो रही है तो आप निश्चित रूप से लिखें कि पुलिस का ऐसा कहना, और बगैर इस तरह के जो आजकल कुछ YouTube चैनल और सोशल मीडिया में इस तरह की जो न्यूज़ चल रही है,
मुझे लगता है कहीं ना कहीं सबसे पहले न्यूज़ को दिखाने की जो प्रवृत्ति है उसमें गलत न्यूज़ भी चल रही है, इससे बचें। इस पूरे प्रकरण में बिहार पुलिस लगातार निगरानी रखे हुए है और इसमें एक अच्छी सूचना है वो आपको बता दें। तमिलनाडु पुलिस मुख्यालय की नियमित प्रेस ब्रीफिंग में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं तमिलनाडु राज्य में जो कतिपय घटनाओं के संबंधित में सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो प्रकरण से संबंधित सभी जानकारियां अद्यतन आपको देना चाहूँगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आर्थिक अपराध बिहार पटना के द्वारा विभिन्न वीडियो और जो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे थे, जो असत्य भ्रामक और उन्माद फैलाने वाले थे और जो कतिपय हिंसात्मक घटनाओं को गलत तरीके से पेश कर रहे थे, उसमें ऑलरेडी हम लोगों ने एक कांड संख्या 3/23 विभिन्न धाराओं में दर्ज कर दिया गया है। 10 सदस्यीय जांच दल इसकी जांच कर रहा है, सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। कुल अभी तक 30 वीडियो एवं पोस्ट चिन्हित किए गए हैं जिसके बारे में गहन अनुसंधान किया जा रहा है। इस कांड में सत्यापन के क्रम में 26 अन्य ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब अकाउंट्स को भी चिन्हित किया गया है जिसके बारे में अनुसंधान किया जा रहा है। 42 सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए नियमों के अनुसार प्रिजर्वेशन नोटिस जारी कर दिया गया है ताकि उनका साक्ष्य अनुसंधान के क्रम में उपलब्ध रहे। इस कांड में 4 व्यक्तियों को नामजद किया गया था जिसमें अमन कुमार नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये सभी जानकारी आपको पूर्व में दी जा चुकी थी। अद्यतन जानकारी ये है कि एक और वीडियो है जो गलत पाया गया है। 8 मार्च को इस कांड के अभियुक्त मनीष कश्यप, जो BNR न्यूज हनी नामक यूट्यूब चैनल का एक वीडियो ट्वीट किया गया जिसमें पट्टी बांधे 2 लोगों को दिखाया जा रहा है, उस ट्वीट में जो टैग वीडियो था वो देखने से ही संदिग्ध लग रहा था। उसकी जांच की गई और जांच के अनुसंधान के क्रम में वीडियो अपलोड करने वाले व्यक्ति राकेश रंजन कुमार को गोपालगंज से पूछताछ हेतु पुलिस के द्वारा लाया गया। उसने अपने पूछताछ में सारी बात स्वीकार कर ली और उसने ये बताया कि 6 मार्च को उसने यह फर्जी वीडियो 2 अन्य लोगों के सहयोग से बनाया था और यह भी बताया कि इस वीडियो को जक्कनपुर के एक बंगाली कॉलोनी स्थित एक किराए के मकान में शूट किया और उसके बाद इसको अपलोड किया ताकि पुलिस के अनुसंधान को गलत दिशा दी जा सके। तो इस सारी की सारी बात का उद्भेदन हो गया। राकेश रंजन के मकान मालिक के द्वारा भी इस संबंध में पुष्टि कर दी गई, अतः ये बहुत गंभीर अपराध है। इस संबंध में एक सेपरेट FIR हम लोग दर्ज कर रहे हैं, मतलब UU दर्ज कर रहा है जो मनीष कश्यप, उसके 2 साथी और राकेश रंजन के विरुद्ध होगा। किस तरीके से उन्होंने 6 मार्च को एक फर्जी वीडियो बना के उसको अपलोड किया 8 तारीख को और इसको टैग किया। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस तरह के फर्जी वीडियो बनाकर प्रचारित करने से देश और समाज में और विभिन्न वर्गों के बीच में विद्वेष की भावना पनप सकती है, हिंसा बढ़ सकती है, अतः ऐसे किसी भी कृत्य से बचें। किसी भी YouTube चैनल की प्रामाणिकता उसके व्यूअरशिप से नहीं बल्कि उसकी सही खबरों से होती है, अतः सही खबरें दिखा करके सही परिप्रेक्ष्य में खबरें दिखाई जाएं, न कि गलत और तथ्यों को तोड़ मोड़ कर फर्जी तरीके से वीडियो बनाएं। इसका हश्र आप अभी जो ये कांड और जो घटना मैंने उद्भेदित की उससे प्रभावित। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।